एक कहानी के आखिरी पड़ाव पर आने के बाद जरूरी नहीं है कि वो कहानी खत्म हो जाती है। और कई बार ऐसा हुआ है हॉलीवुड के कई सारे बेहतरीन मूवी फ्रेंचाइजीज के साथ भी, जहां पर एक्चुअली हॉलीवुड के अंदर कई सारे बेहतरीन सीक्वल्स को प्लान तो किया गया था बट वो कभी ऑडियंस के सामने आ ही नहीं पाए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसी होने वाली थी गियर्मो डेल तोरो की हेलबॉय 3, जॉन कार्टर 2, सोनी के अंदर बनी हुई 90s की गॉडजिला मूवी के अंदर और कितनी मूवीज आने वाली थीं, क्यों नहीं बना पाए क्विंटिन टैरेंटिनो पल्प फिक्शन का प्रीक्वल और किल बिल का सीक्वल, कैसी होने वाली थी फॉरेस्ट गंप 2 की कहानी और आखिर क्यों नहीं बन पाई वांटेड 2, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्वल और डीसी के बाहर सुपरनेचुरल से डील करने वाली हेलबॉय की भी एक बहुत ही बड़ी कल्ट फॉलोइंग है, जो कई गुना ऊपर गई गियर्मो डेल तोरो के अडॉप्टेशन से। फैंस को थर्ड मूवी की बहुत ज्यादा आस थी जो एक्चुअली कभी बन ही नहीं पाई, लेकिन सरप्राइजिंगली गियर्मो डेल तोरो के अंदर थर्ड मूवी को प्लान किया गया था, जहां पर इस मूवी का नाम एक्चुअली हेलबॉय 3 डार्क वर्ल्ड्स होता, जहां पर गियर्मो डेल तोरो के साथ साथ पुरानी कास्ट भी इस मूवी के अंदर वापस आने वाली थी, जहां पर हेलबॉय को यहां पर दो ट्विंस के फादर के रूप में दिखाया जाता जिसे वो लिज शर्मन के साथ पैदा करता है, लेकिन इसी के साथ साथ उसे एक बहुत ही पावरफुल एनिमी से अर्थ को बचाना होता। फाइनली 2017 में इस बात को रिवील किया गया कि ये सीक्वल अब कैंसिल हो चुकी है और उसकी जगह पर 2019 के डेविड हार्बर के हेलबॉय से इसे रिबूट किया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेकार रिबूट साबित हुई। और फिलहाल हेलबॉय की फ्रेंचाइजी एक बार फिर से रिबूट में आ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके भी रॉन पर्लमैन अपनी पुरानी ट्रिलॉजी को एक्चुअली कंप्लीट करना चाहते हैं, एंड इन माय ओपिनियन रिबूट से अच्छा पुरानी एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजी को ही कंटिन्यू करना ज्यादा बेहतर होता। टू बी ऑनेस्ट, 1998 के अंदर सोनी पिक्चर्स के अंदर रिलीज हुई गॉडजिला अपने आप में एक काफी अंडररेटेड मॉन्स्टर मूवी है। डेफिनेटली मॉन्स्टरवर्स के एस्टैब्लिशमेंट के बाद हमें मोर ऑफ एक्यूरेट गॉडजिला देखने को मिला, बट सच कहूं तो मेरी तो इस काइजू से इंट्रोडक्शन इसी गॉडजिला मूवी से हुई थी, एंड सरप्राइजिंगली सोनी के पास इस मूवी को पूरा का पूरा फ्रेंचाइजी बनाने का प्लान था, जहां पर इनिशियली इसे एक ट्रिलॉजी के रूप में कन्वर्ट किया जाना था, क्योंकि पहले ही मूवी के लास्ट में हमने गॉडजिला एक्स को हैच होते हुए भी देखा था, लेकिन मूवी की मॉडरेट फाइनेंशियल सक्सेस इस मूवी के कैंसिलेशन का एक डिसाइडिंग फैक्टर बनी और सोनी के हाथ से ये पूरी फ्रेंचाइजी ही छूट गई। डेविड फिंचर की 7 मूवी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रिलर मूवीज में से एक गिनी जाती है, जिसका कैरेक्टर डेप्थ और डार्क अंडरटोन आज तक फैंस के बीच में तारीफ का कारण बना हुआ है, लेकिन हॉलीवुड के अंदर इसी चीज को एक बार फिर से कैश इन करने का प्लान किया जा रहा था, जहां पर बेसिकली इसकी सीक्वल का नाम, यस यू गेस्ड इट राइट, 8 होने वाला था, विद द स्पेलिंग EI न्यूमेरिकल 8 HT। इस सीक्वल के अंदर हमें बेसिकली एक साइकिक किलर को एक साइकिक डिटेक्टिव ढूंढते हुए नजर आता, जो शायद प्रीवियसली पूरी तरह से कंप्लीट मूवी के चार्म को मिट्टी में मिला देती। थैंकफुली ये मूवी कभी नहीं बनी। स्टीवन स्पीलबर्ग की ET द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटरनेशनल पॉप कल्चर के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब ऑफ कोर्स मैं उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा जहां पर ये बेसिकली सत्यजीत रे की कहानी थी और इसे किस तरह स्टीवन स्पीलबर्ग ने ढांप लिया, उसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इस मूवी का एक सीक्वल यानी ET 2 नॉकटर्नल फियर्स नाम से इसका एक सीक्वल जरूर आने वाला था, जहां पर इस फिल्म की राइटर मेलिसा मैथिनसन ने इसकी एक 10-पेज ट्रीटमेंट बनाई थी। फर्क बस इतना था कि यहां पर फ्रेंडली ET और उसके एलियन स्पीसीज की जगह एक डार्क और डरावनी एलियंस को दिखाया जाना था, जो बेसिकली कार्निवोरस होते और हिप्नोटिक हम छोड़ते अर्थ की वाइल्ड लाइफ को पैरालाइज करने के लिए, जो बेसिकली ह्यूमंस को कैप्चर करके ले जाते और उन पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते। इन माय ओपिनियन अगर पहली मूवी बच्चों के लिए थी तो दूसरी मूवी बड़ों के लिए जरूर अच्छी होती, बट डेफिनेटली ET के साथ जुड़ने के कारण ये उतना कमाती नहीं। जॉन कार्टर डिज्नी की वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस मूवीज में से एक थी, जो साल 2012 में रिलीज हुई थी। एक ऐसा सोल्जर जो मार्स पर जाता है वहाँ के रिबेलियन को हेल्प करने। ये कहानी बेसिकली अडॉप्टेशन थी अ प्रिंसेस ऑफ मार्स की, जिसकी 2009 में अडॉप्टेशन बनी तो थी, लेकिन ये उतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिर कमांड डिज्नी ने संभाली और उन्होंने अपनी हैवी विजुअल इफेक्ट्स और CGI की मदद से ऐसा ही सोचा था कि वो बेसिकली दूसरा पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का फ्रेंचाइजी बना रहे हैं, लेकिन सच इससे कहीं दूर था। और बावजूद डिज्नी के $306 मिलियन इस मूवी पर फूंकने के, बॉक्स ऑफिस से डिज्नी ने सिर्फ और सिर्फ $284 मिलियन की ही कमाई की। और अगर इसे मार्केटिंग वगैरह के खर्चों को अगर इसमें मिला दिया जाए तो ये उस समय $112 से $200 मिलियन का लॉस था, जो आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से $143 से $255 मिलियन तक का लॉस है। अब आपको क्या लगता है, इससे बड़ा और कौन सा रीजन चाहिए होगा डिज्नी को इसकी सीक्वल को कैंसिल करने का?
बेसिकली इस मूवी को एज अ ट्रिलोजी सेटअप करने के लिए इंटेंट किया जा रहा था और इसकी आगे की कहानी द गॉड्स ऑफ मार्स पर बेस्ड होती, लेकिन इस बड़े से फाइनेंशियल सेटबैक को देखते हुए डिज्नी को आगे बढ़ने की हिम्मत तक नहीं हुई और अल्टीमेटली इस फ्रेंचाइजी के राइट्स उनके हाथ से निकल गए। अगर आप किसी अंडररेटेड साइंस फिक्शन मूवीज की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट 9 वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड साइंस फिक्शन मूवीज में से एक है, जो इतनी ज्यादा सररियल फीलिंग होती है कि मूवी कम और डॉक्यूमेंट्री ज्यादा लगती है। साथ ही साथ इसका सीमलेस और ऑसम विजुअल इफेक्ट, रियल लाइफ के आउटकास्ट रिफ्यूजीज की कहानी को मिमिक करना और एक बेहतरीन क्लिफहैंगर पर इस मूवी की कहानी को छोड़ना, डेफिनेटली ये मूवी एक सीक्वल जरूर डिजर्व करती है। और बावजूद इस मूवी को 4 एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन मिलने की, इस मूवी का सीक्वल कभी डेवलपमेंट के हेल से आगे बढ़ ही नहीं पाया और इसका सीक्वल कभी फाइनलाइज किया ही नहीं गया। आप में से बहुत सारे लोगों ने जेम्स मैकवॉय को पहली बार एक्समैन द फर्स्ट क्लास में एस प्रोफेसर जेवियर देखा होगा, लेकिन हम में से बहुत सारे लेजेंडरी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जेम्स मैकवॉय की एक्टिंग का अंदाजा वांटेड मूवी से ही मिल गया था, जहां पर एक काइंड ऑफ एन एवरेज गाय को एक ट्रेंड असैसिन के रूप में उसके दुश्मन ही उसे तैयार करते हैं। सॉरी फॉर द स्पॉयलर्स। एनीहाउ, ये मूवी एक बहुत ही बेहतरीन क्लिफहैंगर पर छोड़ी गई थी और इस मूवी ने कलेक्शन के मामले में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, जहां पर इसने $75 मिलियन के बजट पर $382 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए थे। और जैसा कि ये भी मूवी मार्क मिलर के इसी नाम के कॉमिक बुक फ्रेंचाइजी पर ही बेस्ड थी, इसका सीक्वल किल 1 Save a Thousand नाम की कॉमिक बुक पर बेस किया जा रहा था, लेकिन सच तो ये था कि इसके सीक्वल को पहली मूवी से अलग दिखा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था और काइंड ऑफ ये पहली मूवी की ही एक रीहैश्ड वर्जन लग रही थी, जिसके कारण लंबे समय तक इसके सीक्वल पर काम करने के बावजूद भी ये कभी हमें देखने को नहीं मिली। खैर, अगर आप भी एक क्विंटिन टेरेंटिनो फैन हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते ही होंगे कि क्विंटिन टेरेंटिनो का भी अपना एक सीक्रेट सिनेमैटिक यूनिवर्स है और इसके कई सारे कैरेक्टर्स का आपस में कोई न कोई रिलेशन जरूर होता है और उन्हें कई बार हिंट और रेफरेंस जरूर किया जाता है। उन्हीं में से एक है वेगा ब्रदर्स, जहां पर जैसा कि रिजर्वर डॉग्स के अंदर माइकल मैंडसन के मिस्टर ब्लॉन्ड को दिखाया गया था, उसका असली नाम विक वेगा होता है। वहीं पर आगे जाकर क्विंटिन टेरेंटिनो की आने वाली मूवी पल्प फिक्शन के अंदर जॉन ट्रिवोल्टा के कैरेक्टर का नाम विंसेंट वेगा होता है और इस बात को खुद क्विंटिन टेरेंटिनो ने क्लैरिफाई किया था कि ये दोनों कैरेक्टर्स एक्चुअली रिलेटेड थे और सगे भाई थे, जिसके कारण एक वक्त था जब क्विंटिन टेरेंटिनो ने इन दोनों ही कैरेक्टर्स पर बेस्ड एक प्रीक्वल मूवी को प्लान किया था, जो बेसिकली एम्स्टरडैम में टेक प्लेस करती और उसी का रेफरेंस यहाँ पर हमें विंसेंट वेगा पल्प फिक्शन मूवी के अंदर देते हुए दिखता है। बट इस आइडिया को लेकर क्विंटिन टेरेंटिनो ने इतनी ज्यादा देरी की कि दोनों ओरिजिनल एक्टर्स की उम्र निकल गई और ऐसे में इन दोनों के साथ प्रीक्वल बना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। टॉम हैंक्स स्टारिंग फॉरेस्ट गंप का फैंडम, इसकी खूबसूरत कहानी और अडोरेबल फॉरेस्ट गंप की टॉम हैंक्स की पोर्ट्रेयल की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर थी, जिसे अल्टीमेटली बॉलीवुड ने सालों बाद कॉपी किया, लेकिन फिर भी ओरिजिनल का चार्म बॉलीवुड के लिए रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल था। और 1994 के जमाने में हॉलीवुड काउंटर पार्ट ने $668 मिलियन की कमाई सिर्फ और सिर्फ $55 मिलियन के छोटे से बजट पर की थी। ऐसे में बात जाहिर थी कि हॉलीवुड इसके दूसरे सीक्वल पर भी काम करना चाहता था, जिसके लिए यहाँ पर ड्यून के स्क्रीन राइटर एरिक रॉथ को भी चुना गया था, जिसमें फॉरेस्ट की कहानी आगे बढ़ती और वो एक नेटिव अमेरिकन औरत से रोमांटिकली इन्वॉल्व होता, बट उसकी मूवी के अंदर डेथ हो जाती ट्विन टावर्स के कोलैप्स के साथ। खैर, ये आइडिया जब तक हॉलीवुड के पास आया तब तक रियल लाइफ में ही ऐसा कुछ हो चुका था, जिसके कारण हॉलीवुड में हिम्मत नहीं हुई किसी की इसके सीक्वल पर काम करने की। अब चलिए इस लिस्ट में एक बार फिर से बात करते हैं क्विंटिन टेरेंटिनो का, और इस बार का जो प्रोजेक्ट उन्होंने छोड़ा है वो एक्चुअली आज भी पूरी तरह से पॉसिबल है उसे रिक्रिएट करना, और ये बेसिकली एक बहुत ही बेहतरीन किल बिल की लेगेसी हो सकती थी, क्योंकि जैसा कि हमने किल बिल की मूवी के अंदर देखा था, उमा थर्मन की द ब्राइड को विविका ए फॉक्स की वर्निटा ग्रीन को मारते हुए वर्निटा की बेटी इस बात की गवाह बनती है कि द ब्राइड उसकी मॉम को मारती है। एंड बेसिकली एक वक्त ऐसा भी था कि जब क्विंटिन टेरेंटिनो ने इस बात को कंटेम्पलेट किया था कि क्या वर्निटा ग्रीन की बेटी अपना बदला उमा थर्मन की ब्राइड और उसकी बेटी से लेगी या नहीं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिवेंज एक साइकिल है, मेरे हिसाब से ये चीज काफी बेहतरीन तरीके से काम करती, और क्विंटिन टेरेंटिनो के दिमाग में ये बात भी थी कि वो बेसिकली वर्निटा ग्रीन की बेटी के लिए जेंडाया और उमा थर्मन की बेटी के लिए उनकी बेटी माया हॉक को ही कंसिडर करते, जो कि काफी ज्यादा सेंस बनाता और काफी एक्यूरेट साबित होता। लेकिन क्विंटिन टेरेंटिनो ने फिलहाल इस बात को कंफर्म कर दिया है कि वो इस सीक्वल को बनाने में थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं है, बट जिस तरह की
संभावना उन्होंने इस मूवी के अंदर व्यक्त की थी, मुझे नहीं लगता कि मूवी कहीं से भी फेल साबित होती। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। एंड ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जिनके बारे में हम और भी आगे डिस्कस कर सकते हैं, तो कमेंट्स में आप बताइए कि आपको और कौन कौन सी मूवीज के बारे में मालूम है। हम इसका पार्ट टू भी जल्दी ही लेकर आ सकते हैं। वैसे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।